सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पड़ताल बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल तक पहुंच गई है। एक के बाद एक बड़े नाम उछले। अब जांच की इस आंच में एक्टर अर्जुन रामपाल और उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रियला आ गए हैं। गैब्रियला से कल एनसीबी ने पूछताछ की। एक्टर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रियला आज एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुई। सोमवार को अर्जुन रामपाल के घर में एनसीबी ने छापा मारा था। यहां से एनसीबी कुछ गैजेट्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट्स अपने साथ ले गई थी। एनसीबी ने रामपाल के ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रामपाल के घर से बैन मेडिसिन बरामद हुई जो एनडीपीएस एक्ट में आती है। अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रियला डिमित्रियादेस से करीब 6 घंटे तक आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने पूछताछ की। उन्हें सोमवार को समन्स इशू किए गए थे। सोमवार को ही अर्जुन रामपाल के ड्राइवर का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया था और इससे पहले गैब्रियला के भाई एजिसियालोस डिमित्रियादेस को पिछले हफ्ते एक नए केस में अरेस्ट कर लिया गया था। पिछले महीने गैब्रियला के भाई को ड्रग केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। भाई के पास से हशीश और कुछ प्रतिबंधित टैबलेट्स मिली थी। ये दोनों ही चीजें नारकोटिक्स की तरफ से बैन है। गैब्रियला के भाई का कनेक्शन ओमेगा गोविन नाम के शख्स से भी बताया गया था जो मुंबई में कोकीन सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार हुआ था। ओमेगा गोविन के नाम लेने पर गैब्रियला के भाई को गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स सूत्रों का माने तो उनका कहना है कि जो भी ड्रग पेडलर्स इस केस में अरेस्ट हुए हैं उनसे अर्जुन और उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रियला का नाम सामने आया, जिसकी वजह से उनके घर पर रेड की गई और उन्हें समन किया गया है पूछताछ के लिए। इंक्वायरी अभी चल रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब गैब्रियला के बाद अर्जुन रामपाल से पूछताछ करेगी। कैमरा पर्सन नवनाथ के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।